पूरे प्रदेश में शिक्षा क्षेत्र में अग्रणी जिला हमीरपुर में शिक्षा का बदहाली का पता इससे लगता है कि हमीरपुर जिला में एक ही कमरे में 5 कक्षाएं चलाई जा रही हैं। ये मामला जिला के भोरंज उपमंडल के लझियाणी प्राइमरी स्कूल का है। यहाँ पर असुरक्षित खस्ता हालत कमरे में ही 5 कक्षाएं चलाई जा रही हैं और हर दिन खतरे के साए में नौनिहाल ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन ना तो सरकार और ना ही शिक्षा विभाग इस बारे में कोई सुध ले रहा है। लझियाणी स्कूल में एक ही कमरे में सामान भी रखा हुआ है। कमरे की हालत देखकर कोई भी कह सकता है कि यहाँ बच्चे बिठाए जाते हैं। नौनिहालों का कहना है कि 5 कक्षाएं एक ही कमरे में चलती हैं और पढ़ाई भी बाधित होती है। पहली से लेकर फिफ्थ तक एक ही कमरे में बैठते हो? जी। और कमरे नहीं आए स्कूल में? एक बनने लगा। अच्छा, बनने लगा है अभी? अच्छा, इससे पहले एक इसी कमरे में बैठ रहे हो? जी। कितने सालों से बैठ रहे हो इस कमरे में? 2 सालों से। 2 सालों से बैठ रहे हो। बेटा, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फिफ्थ में पढ़ते हो? जी। क्या नाम है आपका? मोहित। तो आपकी सारी क्लासेज इकट्ठी लगती है यहाँ पे, एक ही क्लास फ्रेंडे में लगती है? जी। कौन कौन सी क्लास में बैठी हुई है यहाँ पे? पहली से लेकर पांचवी तक एक साथ ही बैठते हैं? जी। कमरे नहीं है आपके स्कूल में यहाँ पे? और एक बनने वाला है अभी। अच्छा, बन रहा है अभी? एक बन रहा है। अच्छा, बाकी यहाँ पे कितने सालों से बैठ रहे हैं यहाँ पे? 5 सालों से। 5 सालों से इसी बरामदे में बैठ रहे हैं एक कमरे में? जी। स्कूल मुख्याध्यापिका बबीता कुमारी का कहना है कि कई वर्षों से एक ही कमरे में 5 कक्षाएं चलाई जा रही हैं, जिससे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक कमरे के लिए बजट मिला है और जल्द ही एक कमरे का निर्माण किया जा रहा है। तो 2010 में आई थी यहाँ तो 4 कमरे थे पहले जो गिर रहे थे, तो उनमें भी बच्चों को नहीं बिठाते थे हम। फिर उनको हमने डिसमेंटल करवा दिया। उसके बाद हमने विभाग को भेजी अपनी कार्रवाई वगैरह, तो विभाग से एक कमरे के लिए पैसा आया हुआ है और वो बन रहा है, काम लगा है। अभी फिलहाल हमारे पास एक ही कमरा है, इसमें सारी क्लासें बैठती हैं इकट्ठी। तो ये अध्यापिकाएं हैं, हम 3 क्लासें एक के पास बैठती हैं और 2 बरामदे में लगती हैं। तो जैसे बरसात का मौसम आता है या ठंड का मौसम, तो कैसे बरामदे में कैसे कक्षाएं चलाते हैं? तो बरामदे में बारिश आ जाए तो अंदर करने पड़ते हैं सभी, फिर एक ही कमरे में। तो एक ही आया था अभी, तो अभी भी भेजा है एक रेगुलेशन, शायद दूसरा कमरा भी आने वाला है। खंड प्राइमरी शिक्षा अधिकारी BPI भोरन सुखदेव सिंह का कहना है कि एक कमरे का निर्माण किया जा रहा है, अगर स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ती है तो ही बजट का प्रावधान होता है। उन्होंने कहा कि कमरों की समस्या के बारे में उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया गया है, लेकिन अभी तक बजट नहीं मिल पाया है। थोड़ा लेट हो गया, लेकिन अभी पिछले वर्षों को उस स्कूल को जो है वो कमरे के लिए पैसा मिला है 3,15,000, और मुझे लगता है कि उन्होंने काम भी स्टार्ट कर दिया है उसका, अभी तक उसकी कंप्लीशन रिपोर्ट नहीं आई है। और दूसरी बात, अगर रही 5 क्लासों की बात, तो 5 क्लासेज में बच्चे भी कम होते हैं। गवर्नमेंट जो पैसा देती है वो देती है बच्चों के स्ट्रेंथ के हिसाब से, अगर बच्चे ज़्यादा हैं तो या बच्चे बढ़ जाते हैं तो उनको एक कमरा और मिल सकता है। गौरतलब है कि भोरंज विधानसभा क्षेत्र से स्वर्गीय आईडी धीमान 6 बार विधायक और 2 बार शिक्षा मंत्री रह चुके हैं और प्रेम कुमार धूमल जिला से मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन भोरंज में शिक्षा के विकास के लिए कितना काम किया है ये तो यहाँ के स्कूल की हालत से ही पता चलता है।